हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडली हम इसमें बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइंस में बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमाइंस बेसिक क्यों हैं और उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अमाइंस जैसे कि आप जानते हैं तीन किस्म के हैं, प्राइमरी अमाइंस जैसे RNH2, सेकेंडरी अमाइंस जिनका जनरल फॉर्मूला है R2NH, और टर्शरी अमाइंस जिनका जनरल फार्मूला है R3N। इन तीनों किस्म के अमाइंस में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अमाइंस बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्योंकि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन the amines are weak bases। अब अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें जब हम अमाइंस का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं वहां पर क्या होता है। सपोज हम एक प्राइमरी अमाइन कंसिडर करते हैं, ये प्राइमरी अमाइन एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। इस केस में जो अमाइन है इट बिहेव्स एज ए बेस, जबकि वाटर यहाँ पर एज एसिड बिहेव करता है। इसका मतलब कि वाटर अपना प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन को डोनेट करता है अमाइन में। और वो किस तरह से होता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस H पॉजिटिव के साथ शेयर कर लेता है। इस तरह से हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है RNH3 पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। ये कैसे बना, वाटर ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया अमाइन को, अमाइन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाया, एक आयन जिसका नाम है अल्काइल अमोनियम। और वाटर ने जब प्रोटॉन डोनेट किया तो वाटर से क्या बना, वाटर से एक हाइड्रोक्साइड आयन बना। अब चूंकि अमाइंस वीक बेसिस हैं तो ये जो एसिड बेस इंटरेक्शन है इसको हमने एक टू साइडेड एरो से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये एक वीक बेस है इस वजह से। अब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी आफ्टर सम टाइम। इस इक्विलिब्रियम पर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू पावर देयर स्टोक्योमीट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि स्टोक्योमीट्रिक कोएफिशिएंट्स सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में 1 है। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो होगी K इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव दैट इज एल्काइल अमोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों प्रोडक्ट्स में थे। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड पर आप देख सकते हैं देयर इज अमाइन, तो हम लेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमाइन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। So this is our equation on the basis of law of chemical equilibrium. इसमें आप जानते हैं ये जो K होता है, this K is regarded as equilibrium constant. अब इस equation में ये जो water की concentration है it can be taken as constant. ऐसा क्यों? Because water is the solvent and the concentration of solvent remains constant in this process. तो हम क्या करेंगे, हम ये जो water की concentration है इस term को हम, क्योंकि ये constant है तो इस term को हम ले जाएंगे इस side। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा K multiplied by molar concentration of water इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पर क्या बचा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल अमोनियम इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द अमाइन, राइट। अब के कांस्टेंट है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी कांस्टेंट है, तो इन दो कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट एक और कांस्टेंट बनेगा, उस कांस्टेंट को हम यहाँ पर लिखते हैं Kb, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अब कोई चेंज नहीं होगा, राइट हैंड साइड सेम रहेगी, तो इस तरह से हम लिखेंगे ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये जो हमने Kb लिखा, इस Kb को अब हम लिखते हैं, इसका जो नाम है वो हम लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। अब चूंकि यहाँ पर बेस अमाइन था तो हम कहेंगे इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन अमाइन, ठीक है। यही Kb है जिससे हम बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं या बेसिक करैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। किसके बराबर है Kb? इट इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ, ये रेशो है, किस चीज़ की रेशो है, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमाइन। अब Kb की वैल्यू से हमें बेसिक स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि अगर Kb की वैल्यू हाई है मींस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb हायर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। एक अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ अगर हमने कंपेयर करनी हो किसी दूसरे अमाइन के साथ तो हम Kb की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जिस अमाइन की Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और जिसकी Kb की वैल्यू कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। एक और टर्म है जिससे हम बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो टर्म है pKb। अब ये pKb क्या है, इट इज़ रिलेटेड विद दिस Kb और कैसे रिलेटेड है, इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। अगर आपको Kb की वैल्यू पता है उसका नेगेटिव लॉग आप निकालो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ pKb। अब इस pKb की वैल्यू से हमें कैसे पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ हाई है या लो है। आप देख सकते हैं Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, नेगेटिव लॉग हम निकालेंगे तो वो वैल्यू उतनी ही कम आ जाएगी। हायर द वैल्यू ऑफ Kb, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ pKb। तो इस हिसाब से अगर हम देखें बेसिक स्ट्रेंथ में लोअर द वैल्यू ऑफ pKb higher is the basic strength and vice versa. मतलब pKb की वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी और pKb की वैल्यू जितनी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो ये तो था कि हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। दो टर्म्स हमने देखी, एक Kb है और दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म है pKb और ये आपस में इंटर रिलेटेड है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अब अमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक अमाइन है, उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो अपना लोन पेयर किसी एसिड को डोनेट करेगा। जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, तो हम कहेंगे हायर द टेंडेंसी हायर द टेंडेंसी। किस चीज़ की टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। जितनी ज़्यादा टेंडेंसी उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। हायर इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइन। अब ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये भी दो बातों पे डिपेंड करता है और उसमें जो पहली बात है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है ऑन द नाइट्रोजन एटम, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन एटम इज द डोनर। इन केस ऑफ अमाइंस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करना है, तो उस नाइट्रोजन पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और दूसरा फैक्टर जो यहाँ पर काम करता है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब है कि जब नाइट्रोजन ने अमाइन में जो नाइट्रोजन एटम है उसने जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है तो उसको कितनी रुकावट का सामना करना पड़ता है। स्पेस में कोई हिंड्रेंस तो नहीं है। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस है इसका मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, उससे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दो फैक्टर्स आ गए इसमें, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी दो फैक्टर्स आ गए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा है नाइट्रोजन पर बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी और स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। और दूसरा फैक्टर जो होगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ द आयन फॉर्म्ड। जब अमाइन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है तो वो क्या बना देता है? वो एक कैटाइन बना देता है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा अल्काइल अमोनियम आयन, अल्काइल अमोनियम आयन बन जाता है आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। ये अल्काइल अमोनियम आयन कितना स्टेबल है उससे भी फर्क पड़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन पर। ये अल्काइल अमोनियम आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी एक अमाइन की। सो हायर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल अमोनियम आयन विच इज फॉर्म्ड आफ्टर एन अमाइन डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन, तो जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा उस अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ भी होगी। और ये जो स्टेबिलिटी है ये मेनली डिपेंड करती है ऑन द सॉल्वेशन, जैसे कि अगर वाटर एज सॉल्वेंट है तो ये डिपेंड करेगा हाइड्रेशन पे, मतलब एक कैटाइन अल्काइल अमोनियम कैटाइन को वाटर कितना स्टेबलाइज करता है, वाटर उसके साथ कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है, उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन। जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन उतनी स्टेबिलिटी उस आयन की ज़्यादा होगी और उससे बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। सो ये दो फैक्टर्स हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस को अफेक्ट करते हैं। अब हम कुछ कंपैरिजन करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे बिटवीन अमोनिया एंड एलिफैटिक अमाइंस। अब अमोनिया का कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात आपके जहन में रहना चाहिए कि अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया भी बेसिक है, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3 और इसमें भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ बेसिक। और जो एलिफैटिक अमाइंस हैं, जैसे एलिफैटिक अमाइन में आप एक एग्जांपल ले लो C2H5NH2, that is इथाइल अमाइन एक एलिफैटिक अमाइन है और साथ में हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, अमोनिया के साथ। अब अगर हम जो फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए अगर उन फैक्टर्स को कंसिडर करें तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो एलिफैटिक अमाइंस हैं जैसे इथाइल अमाइन है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। ऐसा क्यों है? आप देखें इस इथाइल अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर एक इथाइल ग्रुप है और हम जानते हैं इस इथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है +I, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो हम ऐसे कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन नाइट्रोजन एटम ये इंक्रीज हो गई है। किसकी वजह से इंक्रीज हुई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन इथाइल ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज हो गई इसका मतलब है कि इस नाइट्रोजन की ग्रेटर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। It has a greater tendency to donate इसके मुकाबले में अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल को देखें, अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड नहीं है। इसका मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एज कंपेयर टू इथाइल अमाइन, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस वजह से टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो भी कम है और इस वजह से अमोनिया लेस बेसिक है और इथाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक है। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस की। इसमें हम एलिफैटिक अमाइंस की बात करेंगे, अभी हम एरोमेटिक अमाइंस की बात नहीं कर रहे। एलिफैटिक अमाइंस जिनमें मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मिथाइल अमाइंस की बात करेंगे। जैसे हमारे पास है CH3NH2, दिस इज ए प्राइमरी मिथाइल अमाइन, इसका नाम सिंपली मिथाइल अमाइन है। दूसरा जो इसमें सेकेंडरी होगा उस सेकेंडरी में इसमें नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, दिस इज डाई मिथाइल अमाइन। और तीसरा जो कंपाउंड हम यहाँ पर लेंगे विच इज टर्शरी इन नेचर, उसमें नाइट्रोजन के साथ तीन मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, दिस इज टर्शरी मिथाइल अमाइन। इनके नाम भी यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, दिस इज मिथाइल अमाइन विच इज ए प्राइमरी अमाइन। फिर आ गया डाई मिथाइल अमाइन विच इज सेकेंडरी एंड देन देयर इज ट्राई मिथाइल अमाइन विच इज ए टर्शरी अमाइन इन नेचर। अब हम इन तीनों का बेसिक कैरेक्टर या उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। अब इन तीनों की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हमें जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर जो इसमें हम कंसिडर करेंगे वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट, किस चीज़ का इंडक्टिव इफेक्ट। हम जानते हैं इन तीनों में नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और मिथाइल ग्रुप्स का कैसा इफेक्ट होता है, they have plus I effect means they are electron donating in nature। अब आप मिथाइल अमाइन में देखें, मतलब प्राइमरी अमाइंस में आप देखें, there is one मिथाइल ग्रुप attached with nitrogen, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट होगा प्लस I। दूसरी तरफ आप सेकेंडरी अमाइन में देखें, इसमें दो मिथाइल ग्रुप्स हैं विच आर अटैच्ड विद नाइट्रोजन, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और अगर आप टर्शरी अमाइन में देखें, यहाँ पर तीन मिथाइल ग्रुप्स हैं अटैच्ड विद नाइट्रोजन, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और भी ज़्यादा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं या हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टर्शरी अमाइंस हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब टर्शरी मिथाइल अमाइन या ट्राई मिथाइल अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, सेकेंडरी मिथाइल अमाइन उससे कम बेसिक होना चाहिए और प्राइमरी मिथाइल अमाइन उससे भी कम, लीस्ट बेसिक होना चाहिए। सो दिस इज द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन फैक्टर, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो दूसरा फैक्टर आ जाएगा इसमें वो है स्टीरिक फैक्टर। जिस वक्त इन तीनों अमाइंस ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट करना है, तो वहाँ पर स्टीरिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा। मतलब जब किसी एसिड को नाइट्रोजन की तरफ अप्रोच करना है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको स्पेस में कुछ हिंड्रेंस का भी सामना करना पड़ेगा। उस हिंड्रेंस को अगर हम जहन में रखें, जो मिनिमम हिंड्रेंस होगी वो किस में होगी? मिनिमम हिंड्रेंस होगी इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही बल्की ग्रुप है, एक ही मिथाइल ग्रुप है जो थोड़ी बहुत हिंड्रेंस काज करेगा। बाकी के जो दो हैं वो हाइड्रोजन हैं, और आप जानते हैं हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, वो स्पेस में कोई हिंड्रेंस काज नहीं करता। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मिथाइल अमाइन है इसमें हिंड्रेंस बहुत ही कम है। मतलब नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडरी अमाइन में आप देखो, सेकेंडरी अमाइन में या डाई मिथाइल अमाइन में दो मिथाइल ग्रुप्स हैं इस नाइट्रोजन के अराउंड, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत हिंड्रेंस तो ज़रूर होगी। और टर्शरी अमाइन में तो हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि टर्शरी अमाइन में तीन मिथाइल ग्रुप्स हैं, तीन बल्की ग्रुप्स हैं जो नाइट्रोजन को घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर टर्शरी मिथाइल अमाइन में सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस होगी, और उस हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक फैक्टर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्राइमरी अमाइन है जिनमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होने चाहिए, सेकेंडरी उससे थोड़ा सा कम, और टर्शरी की बेसिक स्ट्रेंथ तो बहुत कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज स्टीरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस कंपैरिजन में एक और पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो डिफरेंस होगा स्टीरिक हिंड्रेंस का वो माइनर सा होगा, क्योंकि सेकेंडरी में स्टिल नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम है जो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से एसिड का अटैक काफ़ी आसान होगा। एसिड का नाइट्रोजन के साथ जुड़ना या उससे लोन पेयर एक्सेप्ट करना ये काफ़ी आसान होगा। लेकिन टर्शरी में जो स्टीरिक हिंड्रेंस है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस होगा सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस माइनर सा होगा। अब हम तीसरे फैक्टर पर आ जाते हैं। तीसरा फैक्टर मतलब जब इन तीन अमाइंस ने अपना लोन पेयर डोनेट कर लिया और उन्होंने कैटाइन बना लिया। कैटाइन कैसा? अल्काइल अमोनियम। जैसे अगर हम प्राइमरी की बात करें तो अल्काइल अमोनियम, अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो वहाँ पर डाई अल्काइल अमोनियम बनेगा, क्योंकि वहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप हैं। और टर्शरी में ट्राई अल्काइल अमोनियम। वो जो अल्काइल अमोनियम आइंस बने हैं उनकी स्टेबिलिटी की अब हम बात करते हैं। और हमने बात की थी उनकी जो स्टेबिलिटी है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? वो सॉल्वेशन पे डिपेंड करती है, जिसको हमने हाइड्रेशन का नाम दिया था। क्योंकि वाटर एज सॉल्वेंट होगा तो हम हाइड्रेशन कहेंगे। अब जरा देखिए कि सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा किस में होगी? क्या प्राइमरी अमाइन से जो कैटाइन बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन होगी, या सेकेंडरी से जो बनेगा, या फिर टर्शरी से? यहाँ पर भी स्टीरिक फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टीरिक फैक्टर कैसे? जिस वक्त वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एट्रैक्शन होगी, हाइड्रेशन होगी, तो जो प्राइमरी अमाइन से बनने वाला कैटाइन होगा उसमें ज़्यादा रुकावट नहीं होगी, वो वाटर के साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर पाएगा। और मतलब प्राइमरी अमाइन से जो कैटाइन बन रहा है उसकी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। टर्शरी के केस में फिर से स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से हाइड्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो सॉल्वेशन का जो फैक्टर है उसमें भी प्राइमरी सबसे आगे होगा। मतलब प्राइमरी अमाइन से जो कैटाइन बन रहा है उसकी सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा हो रही है, मतलब प्राइमरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी की बेसिक स्ट्रेंथ उससे कम, और टर्शरी की बेसिक स्ट्रेंथ उससे भी कम। फिर से ये जो फैक्टर है सॉल्वेशन वाला फैक्टर, ये फिर से किसके साथ रिलेटेड है? ये फिर से स्टीरिक फैक्टर के साथ रिलेटेड है, मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस के साथ रिलेटेड है। अब आपने देखा कि जो तीन फैक्टर्स हैं, पहले फैक्टर में जो ऑर्डर है टर्शरी सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, और प्राइमरी सबसे कम होना चाहिए। जबकि बाकी दो फैक्टर्स में आप देख सकते हैं प्राइमरी सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए और टर्शरी लीस्ट बेसिक होना चाहिए। अब इन तीनों फैक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कंबाइंड इफेक्ट हमें पता चलता है जब हम उनकी ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं, और इनका जब कंबाइंड इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी अमाइन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, प्राइमरी अमाइन उससे कम और टर्शरी अमाइन सबसे कम बेसिक है। ये हमें पता चलता है उनकी Kb या फिर pKb की वैल्यू से। सो सेकेंडरी मिथाइल अमाइन या जिसको हम डाई मिथाइल अमाइन कहेंगे, इट इज़ द मोस्ट बेसिक, इट हैज़ द मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ। जबकि टर्शरी अमाइंस की लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ है। अब इन तीन फैक्टर्स की बेसिस पर ये जो तीन ऑर्डर्स हमने ऊपर देखे उनकी बेसिस पर हम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सेकेंडरी नंबर 1 पे कैसे आ गया, प्राइमरी नंबर 1 पे क्यों नहीं है। हम दो फैक्टर्स में देख सकते हैं, ये जो स्टीरिक फैक्टर है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी से आगे था, सॉल्वेशन में भी प्राइमरी सेकेंडरी से आगे था, लेकिन इसके बावजूद कंबाइंड इफेक्ट में हमने क्या देखा, सेकेंडरी अमाइंस बेसिक स्ट्रेंथ में पहले आते हैं और प्राइमरी बाद में आते हैं। इसकी वजह अभी मैंने बताई थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो ये स्टीरिक फैक्टर में जो डिफरेंस होता है वो माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में डिफरेंस जो होता है वो मेजर डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो जहाँ पर प्राइमरी आगे है इन दो केसेस में, वहाँ पर वो सेकेंडरी से माइनर सा आगे है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ। जबकि अगर हम इस पहले फैक्टर को इंडक्टिव इफेक्ट को देखें, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और उस फैक्टर में सेकेंडरी बहुत आगे है एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन। इस वजह से सेकेंडरी ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट में भी प्राइमरी से पहले आता है इन बेसिक स्ट्रेंथ। और टर्शरी लीस्ट बेसिक क्यों है, क्योंकि टर्शरी हमने देखा दो जगहों पर पीछे था, स्टीरिक फैक्टर में भी और सॉल्वेशन फैक्टर में भी, और वहाँ पर वो बाकी दो से काफ़ी पीछे था, इस वजह से ये सबसे कम बेसिक है। ये तो हमने बात कर ली प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी मिथाइल अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में इन एक्वस मीडियम। गैसियस फेज if we compare the basic strength of primary secondary and tertiary amines, हम क्या देखते हैं that the tertiary amines, tertiary methyl amine is the most basic and primary methyl amine is the least basic in nature. अब गैसियस फेज में ऐसा क्यों है, जैसे आपने देखा एक्वस फेज में तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक था और टर्शरी सबसे कम बेसिक था, लेकिन इस केस में गैसियस फेज में आप देख सकते हैं टर्शरी सबसे ज़्यादा बेसिक है और प्राइमरी सबसे कम बेसिक है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि गैसियस फेज में जो सॉल्वेशन वाला फैक्टर है वो एक्सक्लूड हो जाता है। इन दिस केस in the gaseous phase only two factors are contributing to the basic strength, और वो दो factors क्या है, पहला factor है प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा factor है स्टीरिक हिंड्रेंस। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वी एक्सपेक्ट द टर्शरी अमाइन टू बी मोस्ट बेसिक एंड प्राइमरी अमाइन टू बी द लीस्ट बेसिक, while on the basis of steric hindrance we expect प्राइमरी अमाइन टू बी द मोस्ट बेसिक एंड टर्शरी अमाइन टू बी द लीस्ट बेसिक। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज़ मोर पावरफुल फैक्टर एज कंपेयर टू स्टीरिक हिंड्रेंस। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि ये जो ट्रेंड था या ये जो ऑर्डर था जो हम एक्सपेक्ट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यही एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ भी हम देखते हैं। जबकि जब हम एक्वस सॉल्यूशन में ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस के अलावा एक और फैक्टर आ जाता है और वो फैक्टर होता है सॉल्वेशन का। और सॉल्वेशन की बेसिस पर आप जानते हैं उसकी बेसिस पर प्राइमरी सबसे ज़्यादा और टर्शरी सबसे कम बेसिक होना चाहिए था, और वो सॉल्वेशन फैक्टर जो है वो इस फैक्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन इस केस में चूँकि सॉल्वेशन फैक्टर एब्सेंट है तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अपना ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। दैट इज़ वाई इन द गैसियस फेज we observe that the tertiary amines are most basic and primary amines are the least basic। यही चीज़ हम देखेंगे in case of non-aqueous solutions as well। अगर non-aqueous solution भी होगा वहाँ पर भी हम क्या देखेंगे that tertiary amines are the most basic while primary amines are the least basic in nature। Okay, so this was about the प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिथाइल अमाइंस। अब हम इसके बाद बात करेंगे एरोमेटिक अमाइंस की। तो हमारा जो अगला पार्ट है वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। अब एरोमेटिक अमाइंस में हम जानते हैं एनिलीन जो बहुत इंपॉर्टेंट अमाइन है, एनिलीन है और इसके बाकी डेरिवेटिव्स हैं। हम कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे एनिलीन का, एक तो अमोनिया के साथ NH3 के साथ, और दूसरा हम एलिफैटिक अमाइंस के साथ भी इसका कंपैरिजन देखेंगे। एलिफैटिक अमाइंस के साथ तो जब हम Kb वैल्यूज़ या pKb की वैल्यूज़ स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि ये जो एनिलीन है मतलब एरोमेटिक अमाइन है इट इज़ लेस बेसिक। इसको अगर हम अमोनिया के साथ कंपेयर करेंगे तो अमोनिया के मुकाबले में भी ये लेस बेसिक है, और अगर हम एलिफैटिक अमाइंस के साथ कंपेयर करते हैं तो एलिफैटिक अमाइंस से भी ये कम बेसिक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो Kb वैल्यूज़ हैं, Kb वैल्यू इट इज़ लेसर देन अमोनिया as well as the aliphatic amines जैसे मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन एट्सेट्रा, उन सब से Kb वैल्यूज़ एनिलीन की कम है। और अगर हम pKb वैल्यूज़ देखें the pKb वैल्यूज़ ऑफ the pKb वैल्यूज़ of aniline are higher than ammonia and aliphatic amines। तो अब हम देखेंगे कि aniline less basic क्यों है as compared to ammonia as well as aliphatic amines। तो यहाँ पर मैंने तीन कंपाउंड्स लिखे हैं, एक aniline है which is aromatic amine, दूसरा ammonia है और तीसरा है इथाइल अमाइन जो कि एक एलिफैटिक अमाइन है। तो हमने देखा कि एनिलीन इन तीनों में से सबसे वीक बेस है। दिस इज द वीकेस्ट बेस एमंग द थ्री। अमोनिया और इथाइल अमाइन में से तो हम जानते हैं इथाइल अमाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, तो इसका मतलब है कि एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया और इथाइल अमाइन दोनों से कम है। कंपैरिजन हम ऐसे करेंगे कि इथाइल अमाइन में हम जानते हैं कि ये जो इथाइल ग्रुप है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसका कैसा इफेक्ट होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, जिस वजह से ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। अमोनिया में ऐसा कोई भी ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता हो या डिक्रीज करता हो। अब एनिलीन में आप देखें, एनिलीन में नाइट्रोजन के साथ क्या ग्रुप है, एनिलीन में नाइट्रोजन के साथ एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, या हम कहेंगे C6H5 ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है। अब ये जो बेंजीन रिंग है इसका इफेक्ट कैसा होता है, इसका इफेक्ट है -R। इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग रेजोनेंस इफेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट है इसका मतलब ये बेंजीन रिंग नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की डिक्रीज हो रही है, इस वजह से नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वो कम हो जाएगी, इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि बेंजीन -R इफेक्ट कैसे शो करता है इस NH2 ग्रुप पर, तो उसके लिए हम एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे कि आप जानते हैं पिछले चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा है, हेलो अरीन्स में भी आप पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं उनके साथ रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अब हम ड्रा करेंगे। हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से डीलोकलाइज हो जाते हैं। ये जो एरो मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा ये एरो हमें इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन या इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मूवमेंट बताएंगे। इस तरह से आप देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इससे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये देखिए। इसके बाद ये जो बेंजीन रिंग पे जो एक लोन पेयर आया है ऑर्थो पोजिशन पे, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मतलब पैरा पोजिशन पर शिफ्ट हो जाएगा। पैरा पोजिशन पे अब एक लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसके बाद फर्दर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स की और फाइनली हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर हासिल होगा। सो इन दिस वे वी गेट फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। These are the resonating structures of aniline. इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखें कि नाइट्रोजन की जो ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। अब हम इन सभी स्ट्रक्चर्स का एवरेज मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें ये जो डॉटेड लाइंस में बना रहा हूँ, दीज रिप्रेजेंट द पार्शियल डबल बॉन्ड्स। नाइट्रोजन के ऊपर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इन रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी तरह बेंजीन रिंग में दो ऑर्थो पोजिशंस और एक पैरा पोजिशन पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये आ गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर द एनिलीन। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को आप देखें, हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरफ हुई है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस पूरे रेजोनेंस में नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग की तरफ हुई है। और रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हुई है। और बेंजीन रिंग पर जो ये नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हुए हैं ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इट मीन्स दैट बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप ने चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की या रिलीज की टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, तो हम कहते हैं NH2 ग्रुप का इफेक्ट है प्लस आर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। और जबकि बेंजीन रिंग का इफेक्ट कैसा है, उसका इफेक्ट है माइनस आर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा कर रहा है। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी डिक्रीज हो जाती है और बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसी फैक्टर या इसी रीज़न के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एनिलीन जो है ये एक वीक बेस है, जबकि अमोनिया और इथाइल अमाइन उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेसिस है। अब हम ये देखेंगे कि एनिलीन पर या एरोमेटिक अमाइंस पर जब कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है तो उससे उनकी बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होता है। तो हम देखेंगे जो अगला पार्ट होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स on the basic strength of aniline. अब एनिलीन में बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है हमें ये देखना है। हम जानते हैं दो किस्म के ग्रुप्स होते हैं, EDG which stands for electron donating groups और second type क्या है, EWG that is electron withdrawing groups। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में जो कॉमन ग्रुप्स हैं वो हैं अल्काइल ग्रुप्स जैसे मिथाइल, इथाइल एट्सेट्रा। इसके अलावा एल्कोक्सी ग्रुप्स जैसे मिथॉक्सी है, इथॉक्सी। इसी तरह से NH2 ग्रुप। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप। उसके अलावा एक्स जिसका मतलब है हेलोजन्स। अब हमने देखना है कि अगर एनिलीन में बेंजीन रिंग के साथ इनमें से कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो उससे एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम देखते हैं इन जनरल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स increase the basic strength of aniline, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स decrease the basic strength of aniline। ऐसा क्यों है ये समझना बहुत आसान है। अगर आपके पास एनिलीन के ऊपर, अब ये पहले मैं एक एनिलीन मॉलिक्यूल बना रहा हूं, अब एनिलीन मॉलिक्यूल में मान लो बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा ना, डोनेट करेगा। इसका मतलब है कि इस मिथाइल ग्रुप की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। And because of that, what happens? The basic strength of aniline, it also increases. On the other hand, अगर हम aniline पर ये रहा aniline molecule और इसमें अगर हम एक electron withdrawing group attached करते जैसे NO2, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, उससे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। सो इन दिस वे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। अब पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या है, उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है। हम इसके बारे में अब बात करेंगे। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। आप जानते हैं बेंजीन रिंग पर जो सेकंड ग्रुप होता है उसकी पोजीशन ऑर्थो हो सकती है, मेटा हो सकती है या फिर पैरा हो सकती है। तो ये देखा गया है कि अगर हम पैरा पोजिशन और मेटा पोजिशन को कंपेयर करें, तो पैरा पोजिशन पर जो भी इफेक्ट होगा वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन। अभी हम ऑर्थो पोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्थो पोजिशन की बात हम अलग से करेंगे, लेकिन आप देखिए कि पैरा और मेटा में क्या डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस ये है, द इफेक्ट, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का इफेक्ट है, जो भी इफेक्ट होगा। हमने देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है, वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है, वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। जो भी इफेक्ट है इन दो ग्रुप्स का, दैट इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड at पैरा पोजिशन as compared to मेटा पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एनिलीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ये एनिलीन मॉलिक्यूल है, अब एनिलीन मॉलिक्यूल में हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर देते हैं, मिथाइल यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे, सेम मिथाइल। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि यहाँ पर यह मिथाइल मेटा पोजिशन पर है और यहाँ पर यह मिथाइल पैरा पोजिशन पर है। तो हम तो जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा। मतलब एनिलीन के मुकाबले में ये दोनों ज़्यादा बेसिक होंगे, मेटा मिथाइल एनिलीन हो या फिर पैरा मिथाइल एनिलीन हो, ये दोनों ज्यादा बेसिक होंगे। बोथ ऑफ देम आर मोर बेसिक देन एनिलीन। लेकिन हमने देखना है कि मेटा और पैरा में से ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो पहले आप देखें इफेक्ट क्या है। मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट है कि वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, और हमने कहा द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजिशन। मतलब जब मिथाइल पैरा पोजिशन पर होगा तो वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन। तो इन दोनों में से अब ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ज़्यादा बेसिक होगा जिसमें मिथाइल ग्रुप पैरा पोजिशन पर है। तो इन तीनों में से अब आप कंपेयर कर सकते हैं, पैरा सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ, मेटा उससे कम बेसिक है, और ये दोनों कलेक्टिवली अगर हम देखें तो एनिलीन से ज़्यादा बेसिक है। अब ज़रा देखिए एक एग्जाम्पल जिसमें हम एनिलीन में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं। अब आपके पास एक सिंपल एनिलीन मॉलिक्यूल है, और अब एनिलीन में हम एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच कर रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है नाइट्रो, और हमने नाइट्रो ग्रुप दो पोजीशंस पे अटैच किया। एक केस में हमने इसे मेटा पोजीशन पर अटैच किया और दूसरे केस में हमने इसे पैरा पोजीशन पर अटैच किया। अब देखिए ये जो नाइट्रो ग्रुप हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स। तो इनका इफेक्ट क्या है? सबसे पहले इफेक्ट देखिए। इनका इफेक्ट है कि ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। मतलब ये दोनों कंपाउंड्स जो इनका पेरेंट कंपाउंड है एनिलीन, उसके मुकाबले में लेस बेसिक होंगे। सो बोथ दीज डेरिवेटिव्स, नाइट्रो डेरिवेटिव्स आर वीक बेसिस एज कंपेयर टू देयर पेरेंट कंपाउंड दैट इज एनिलीन। सो दे आर वीकर बेसिक और दे आर लेस बेसिक। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कंपेरेटिवली ज़्यादा बेसिक और कम बेसिक कौन है। तो इफेक्ट देखिए, नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट है कि वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, और ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर होगा? मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने का जो इफेक्ट है वो मोर प्रोनाउंस्ड होगा, किसमें? पैरा में। मतलब पैरा पोजिशन पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा डिक्रीज करता है। ऑन दैट बेसिस इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है? ज़्यादा बेसिक है मेटा। मतलब पैरा नाइट्रो एनिलीन जो होगा वो इन तीनों में से सबसे कम बेसिक होगा, और मेटा नाइट्रो एनिलीन कंपैरेटिवली ज़्यादा बेसिक होगा, लेकिन ये दोनों पेरेंट कंपाउंड से मतलब एनिलीन से कम बेसिक होंगे। तो ये हो गया कंपैरिजन सिर्फ मेटा और पैरा पोजिशन का। अब एक पोजिशन जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की वो है ऑर्थो पोजिशन। अब अगर ऑर्थो पोजिशन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच्ड है एनिलीन में, तो वहाँ पर देखा गया है कि चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, वो दोनों ही बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं जब वो प्रेजेंट हो कहाँ पर? ऑर्थो पोजिशन पर। सो हम ऐसे नोट करेंगे बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स। Decrease the basic strength of aniline when present at ऑर्थो पोजिशन। मतलब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि अदरवाइज बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे थे वो भी डिक्रीज कर देते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। कब? जब वो ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट हो। मतलब अगर हमारे पास एनिलीन है और हम एनिलीन में ऑर्थो पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। मतलब ऑर्थो मिथाइल एनिलीन एनिलीन के मुकाबले में लेस बेसिक होगा। और अगर हम एनिलीन को कंपेयर करें ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन के साथ। अब नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, वो तो जाहिर सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। और चूंकि ऑर्थो पोजिशन पर है तो ऑर्थो पोजिशन से ये बेसिक स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर आप देखें इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि ऑर्थो पोजिशन पर आप कोई भी ग्रुप रख लो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, दोनों केसेस में बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द पेरेंट कंपाउंड दैट इज एनिलीन। और इसका रीजन क्या है? ये जो ऑर्थो पोजिशन पर सभी ग्रुप्स का एक ही जैसा इफेक्ट पाया जाता है, इसकी वजह है स्टीरिक हिंड्रेंस। मतलब ऑर्थो पोजिशन पर कोई भी ग्रुप हो वो एक एसिड को इस नाइट्रोजन पर आकर इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने से रोकते हैं, वो हिंड्रेंस काज करते हैं। चाहे फिर वो ग्रुप कैसा भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो, दे काज हिंड्रेंस टू द एसिड टू अटैक एट द नाइट्रोजन एटम। देयरफॉर द बेसिक स्ट्रेंथ इन ऑल द केसेस डिक्रीजेस।